चैप्टर नंबर 6 है हमारे पास लाइट एंड साउंड. द ब्यूटी एंड द फैसिनेशन ऑफ आवर यूनिवर्स इज बिकॉज ऑफ सनलाइट. अब जितनी भी ब्यूटी है हमारे यूनिवर्स की वो सनलाइट की वजह से है. हमारा डे ही इस तरह स्टार्ट होता है. वी कैन सी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस ड्यू टू इट्स लाइट. लाइट की वजह से हम ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं. डू यू नो में है लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. एनर्जी की एक फॉर्म है. प्लांट्स प्रिपेयर द फूड यूजिंग सनलाइट. सनलाइट की मदद से ही जो प्लांट्स हैं ना वो अपनी फूड तैयार करते हैं. आपको पता है प्रोसेस आपने पढ़ा हुआ है पहले भी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के जरिए. इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन क्या है. स्पीड ऑफ लाइट इज़ द फास्टेस्ट इन द यूनिवर्स. स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट है. लाइट कैसे ट्रेवल करती है. 300,000 किलोमीटर इन 1 सेकेंड. ठीक है. एयर और वैक्यूम के अंदर 300,000 किलोमीटर 1 सेकेंड के अंदर वो फासला तय कर लेती है. अब पॉइंट टू पॉन्डर. द मून इज़ नॉट अ नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट. मून जो है वो नेचुरल सोर्स नहीं है. तो ये क्यों ब्राइट दिखता है. अब है लुमिनस एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स. द ऑब्जेक्ट्स विच एमिट लाइट. जिनमें से लाइट निकलती है वो लुमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं. और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स आर सीन व्हेन लाइट स्ट्राइकिंग देम. मतलब जब लाइट उन पर पड़ती है फिर वो हमें दिखाई दे. मतलब तो उन्हें कहते हैं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स. फायर फ्लाइज एंड अ फ्यू सी फिश एमिट लाइट ड्यू टू सम केमिकल रिएक्शन. अब जो फायर फ्लाइज हैं या कुछ सी फिशेज हैं वो किस कैसे लाइट को एमिट करती हैं. जब सम ड्यू टू सम केमिकल रिएक्शंस की वजह से. इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन क्या है. द लाइट फ्रॉम द सन रीचेज द अर्थ आफ्टर 8 मिनट्स. 8 मिनट के बाद पहुँचती है सन की लाइट. वेयर एज द लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मून रीचेज अस. और जो मून से रिफ्लेक्ट होके आ रही है वो हमारे पास 1.5 सेकेंड्स में पहुँचती है. फिर है ट्रांसपेरेंट ओपैक एंड ट्रांसलुकेंट ऑब्जेक्ट्स. देर आर मैनी टाइप्स ऑफ नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स के काफ़ी टाइप्स हैं. तो ये देखिए नीचे आप लोगों को दिखाई गई है. द ऑब्जेक्ट्स थ्रू विद द लाइट कैन पास कम्प्लीटली. ये येलो बॉक्स में कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनमें से लाइट जो है वो कम्प्लीटली पास हो सकती है उन्हें ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं. वी कैन सी क्लियरली अक्रॉस दैम. हम क्लियरली हम देख सकते हैं उनमें से. द ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच लाइट कैन पास पार्शली आर कॉल्ड ट्रांसलुकेंट ऑब्जेक्ट्स. जिसमें जुज़वी तौर पर गुजर सकती है उसे हम ट्रांसलुकेंट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं. वी कैन नॉट सी क्लियरली थ्रू दैम. हम इनमें से क्लियरली नहीं देख सकते. वी कैन सी ओनली अ फेंट इमेज. हमें सिर्फ ऐसे धुंधला सा इमेज नज़र आता है. द ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू दैम. ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनमें से लाइट गुजर ही नहीं सकती उन्हें ओपेक ऑब्जेक्ट्स कहते हैं. हम वी कैन नॉट सी अक्रॉस दैम. हम उनसे मतलब उनमें से नहीं देख सकते. नेक्स्ट ये एक्टिविटी है. नीचे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देख लें. द सेलर्स यूज लाइट सिग्नल्स फॉर कम्युनिकेशन बिफोर द इन्वेंशन ऑफ टेलीफोन और रेडियो. जो सेलर्स हैं वो लाइट सिग्नल्स को यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए. पॉइंट टू पॉन्डर. द लाइट फ्रॉम द सन रीचेज अस आफ्टर पासिंग थ्रू द एयर एटमोसफियर. अब एयर एटमोसफियर में से जो है लाइट जो है उसमें से पास होकर आती है. तो वो ट्रांसपेरेंट है या ट्रांसलुकेंट है ये भी आप लोगों ने इस पे गौर करना है. लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. अब इसके लिए आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है. ठीक है. 3 कार्डबोर्ड्स लिए उन्होंने. उसमें से एक बिल्कुल सिंपल जो है वो होल कर दिए एक ही तरह. तो जब आँख में से और एक कैंडल लगा दी. जब आप उन होल्स में से देखते हैं तो आपको जो है वो कैंडल दिखाई देती है. ठीक है. लेकिन वो बिल्कुल एक ही तरह पड़े हैं कार्डबोर्ड. लेकिन अगर हम इनको थोड़ा सा इनकी पोजीशन को चेंज कर दें तो फिर हम कैंडल की लाइट को नहीं देख सकते. तो इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव होता है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है. फॉर्मेशन ऑफ शेडोज. यू हैव ऑब्जर्व दैट लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. हैव यू एवर थॉट. क्या आपने कभी सोचा है व्हाट हैपन्स व्हेन अ नॉन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कम्स इन द पाथ ऑफ लाइट. कि अगर नॉन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट लाइट के पाथ में आ जाए तो क्या होगा. इससे भी हम एक एक्सपेरिमेंट के ज़रिए देख लेंगे. ठीक है. या आपने एक्टिविटी जो है वो रीड कर लेनी है. तो व्हेन अ नॉन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट ब्लॉक्स द पाथ ऑफ लाइट. येलो बॉक्स में देखें कि जब एक नॉन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट लाइट के पाथ को ब्लॉक करता है तो अ शेडो ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म. तो उस ऑब्जेक्ट का क्या बन जाता है. साया बन जाता है.
शेडो इज़ अ सिमिलर इन शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इज़ मेड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट। बिल्कुल उसके सिमिलर होता है, लेकिन जहाँ से लाइट आ रही होती है ये उसकी अपोजिट डायरेक्शन में बनता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ नियरर टू द सोर्स ऑफ लाइट इट्स शेडो इज़ बिगर। जब ऑब्जेक्ट जो होगा वो लाइट के सोर्स के नज़दीक होगा तो उसका शेडो जो होगा वो बिग बनेगा। एंड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ एट अ ग्रेटर डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट, और जब वो लाइट ऑफ सोर्स से ज़रा दूर होगा तो उसका शेडो जो होगा वो स्मॉल बनेगा। फिर है पॉइंट टू पोंडर व्हाट इज़ द शेप ऑफ अ शेडो ऑफ अ रोटेटिंग ऑब्जेक्ट, ये आप लोगों ने देख लेने हैं। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ नॉन ट्रांसपेरेंट सर्फेसिस। नॉन ट्रांसपेरेंट सर्फेस से लाइट का बैक आ जाना रिफ्लेक्शन कहलाता है। लेट अस इन्वेस्टिगेट विच सरफेस रिफ्लेक्ट्स मोर एंड विच टाइप ऑफ सरफेस रिफ्लेक्ट लेस। एक्टिविटी रीड कर लीजिएगा आप ये कि कौन से सरफेस जो है वो लाइट ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है और कौन सी जो है वो कम करती है। तो इस एक्टिविटी में ये है कि जो शाइनी सरफेस थी उससे जो लाइट जो है वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है, और जो डल सरफेस होती है उससे जो लाइट है वो कम रिफ्लेक्ट करती है। तो साउंड आ जाएगा, वी फील एन एक्टिव एंड बिजी लाइफ अराउंड अस ड्यू टू वेरियस साउंड्स। अर्ली इन द मॉर्निंग द चिरपिंग ऑफ बर्ड सीम प्लेजेंट, वो हमें बहुत अच्छा लगता है। मैनी ऑफ अस इंजॉय म्यूजिक, म्यूजिक को भी इंजॉय करते हैं। वी बिकम अलर्ट आफ्टर लिसनिंग टू सम साउंड्स। वी टॉक टू ईच अदर यूजिंग साउंड्स को यूज़ करके हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं। बट सम साउंड्स आर वेरी अनप्लेजेंट, लेकिन कुछ साउंड जो होती हैं वो बहुत अनप्लेजेंट होती हैं, जैसे कि प्रेशर ऑन्स, नॉइस ऑफ मशीन्स ऐसी। तो साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, तो एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। तो इस एक्टिविटी में यह है कि एक म्यूज़िक स्पीकर को हॉरिजॉन्टली प्लेस करें, ठीक है। स्प्रिंकल सम ग्रेन्स अराउंड इट्स कोन, इसके जो वो कोन है उसके ऊपर कुछ ग्रेन्स रख दें। आप स्विच करें स्पीकर को, कुछ म्यूज़िक प्ले करें, फिर मूवमेंट ग्रेन्स की जो है ना वो मूवमेंट को ऑब्जर्व करें। आर दे जंपिंग अप एंड डाउन, क्या वो अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं, यस। तो इस एक्टिविटी से हमें क्या होगा कि जो साउंड है वो वाइब्रेशंस के ज़रिए प्रोड्यूस होती है। आई वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस साउंड, कि एक वाइब्रेट करने वाला ऑब्जेक्ट साउंड प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट हम देख लेंगे प्रोपिगेशन ऑफ साउंड, वी हेयर साउंड्स व्हेन दे इंटर आवर ईयर्स आफ्टर पासिंग थ्रू द एयर। जब मतलब साउंड एयर में से पास होके आती है तब हमारी कानों तक पहुँचती है। वेन एवर एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स इट फोर्सेज द एयर पार्टिकल्स अराउंड इट टू वाइब्रेट, कि जब एक ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो वो एयर पार्टिकल्स को फोर्स करता है कि वाइब्रेट करें। दीज वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स काज साउंड टू ट्रैवल, अब ये वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स हैं ये साउंड को ट्रैवल करवाते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक्टिविटी देख लेंगे, कैन साउंड पास थ्रू वाटर, कि लिक्विड और सॉलिड बॉडी में से साउंड पास हो सकती है। इसके लिए एक एक्टिविटी की कि उन्होंने कि अपना एयर प्लेस करें टेबल सरफेस के ऊपर पर, अपने क्लास वालों को कहें कि टेबल पर टैप करें, क्या आपको हेयर साउंड सुनी। तो इससे हम इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चला कि साउंड पासिस थ्रू सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, कि सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में से साउंड पास होती है। फिर एक प्लास्टिक बॉटल को कट करें उसकी बॉटम में से, अपना एयर लगाएं उसके नेक से, और अपनी क्लास फेलो को कहें कि वो वाटर के अंदर टू मेटेलिक स्पून्स को स्ट्राइक करें, क्या आपको उन स्ट्राइकिंग स्पून्स की साउंड सुनाई दी। तो इससे भी हमें ये होता है कि साउंड कैन आल्सो ट्रैवल थ्रू वाटर, के साउंड जो है वो वाटर में से भी ट्रैवल कर सकती है। अब देख लेते हैं द स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मटेरियल्स के अंदर क्या है। तो एक एक्टिविटी परफॉर्म की कि एक लॉन्ग आयरन फेंस अपने स्कूल के नज़दीक सेलेक्ट करें, ठीक है, अपना एयर लगाएं एट वन पॉइंट ऑफ द फेंस, आस्क अ क्लास फेलो, एक क्लास फेलो को कहें कि टैप करें विद द स्पून एट सम डिस्टेंस, मतलब थोड़ा सा दूर, तो क्या आपको साउंड क्लियरली सुनाई दी। इफ़ द फेंस इज सफिशेंटली लॉन्ग, अगर तो वो लंबी है, यू मे हेयर टू साउंड्स, तो आपको दो साउंड्स करेंगी, वन थ्रू द आयरन फेंस, एक आयरन फेंस से, और फिर थोड़ी ही सी देर बाद एक एयर के ज़रिए आपको आवाज़ आएगी। तो इस एक्टिविटी से क्या पता चला कि साउंड ट्रैवल फास्टर थ्रू सॉलिड ऑब्जेक्ट्स देन द एयर, कि सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में से ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करती है
एज कम्पेयर टू एयर. इन सॉलिड ऑब्जेक्ट्स द पार्टिकल्स आर नियरर देन इन द वाटर. ठीक है, जो स्पीड है सॉलिड थ्रू सॉलिड्स की वो ग्रेटर है. द स्पीड ऑफ साउंड इन द वाटर, वाटर के अंदर जो साउंड की स्पीड है इज़ ऑलमोस्ट 5 times ग्रेटर देन इन द एयर. एयर से जो है वो 5 times ग्रेटर है. एंड अबाउट 15 times इन सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, और सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के अंदर एयर से कंपेयर करें तो 15 times ज़्यादा ग्रेटर है. ठीक है, तो फॉलोइंग टेबल शो कर रहा है एयर में 340 meters per second, वाटर में 1500 meters per second, आयरन में 5000 meters per second. डू यू नो देयर आर नो पार्टिकल्स इन द स्पेस. स्पेस के अंदर कोई पार्टिकल्स नहीं है. देयरफॉर साउंड कैन नॉट पास थ्रू द स्पेस. इसलिए जो है वो साउंड स्पेस में से नहीं गुजर सकती. अ मटीरियल मीडियम इज़ नेसेसरी फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ साउंड. कोई सी मटीरियल मीडियम जो है वो ज़रूरी होता है साउंड की प्रोपेगेशन के लिए. नेक्स्ट है, इन डू यू नो साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस वाइब्रेशंस. ठीक है, एक एनर्जी की फॉर्म है जो कि वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करती है मैटर पार्टिकल्स के अंदर. इंटेंसिटी ऑफ साउंड, साउंड की शिद्दत. इंटेंसिटी ऑफ द साउंड डिपेंड्स ऑन इट्स लाउडनेस. लाउडनेस पे डिपेंड करता है. द लाउडर द साउंड द ग्रेटर. जितनी आवाज़ तेज़ होगी उतनी उसकी इंटेंसिटी भी तेज़ होगी. ये एक्टिविटी आप रीड कर लें कि टेक वन सच बेल, बेल लें, शेक करें. ठीक है, क्या ये लो है या लाउड साउंड है. क्लास फेलो को कहें टू टेक द बेल एट सम डिस्टेंस, क्लासरूम से ज़रा बाहर ले जाए, फिर उसको शेक करें. डू यू हेयर द साउंड विद द सेम लाउडनेस. क्या सेम लाउडनेस थी या साउंड वीक थी. टेल द क्लास फेलो टू टेक इट फादर अवे, और ज़्यादा दूर ले जाए और उसको शेक करें. तो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चला, द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड डिक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ डिस्टेंस. के सोर्स से जितना डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा साउंड की इंटेंसिटी उतनी ही डिक्रीज होती जाएगी. फिर नॉइस है, वी लाइक सम ऑफ द साउंड्स वी हेयर इन द सराउंडिंग. मतलब हमें कुछ अच्छी लगती हैं, ठीक है, उन्हें प्लेजेंट साउंड्स कहते हैं. और कुछ ऐसे साउंड्स होते हैं जो कि हार्श और इरिटेंट होती हैं, हमें वो साउंड्स अच्छी नहीं लगती, इन्हें अनप्लेजेंट साउंड्स कहते हैं और इन्हें नॉइस भी कहा जाता है. जैसे ड्रैगिंग ऑफ चेयर ऑन द फ्लोर, प्रेशर ऑन, दे प्रोड्यूस नॉइस पोल्यूशन. तो ये नॉइस पोल्यूशन फैलाते हैं. ये एक्टिविटी आप रीड कर लें. कंट्रोलिंग नॉइस पोल्यूशन, द नॉइस लेवल्स ऑफ आवर सिटीज़ एंड इंडस्ट्रियल जोन्स आर मच हायर देन द सेफ लिमिट्स नोटिफाइड बाय द यूनाइटेड नेशंस. कि मतलब हमें कुछ ऐसी मेजर्स करनी चाहिए कि हम नॉइस पोल्यूशन को कम कर सकें. फिर की पॉइंट्स को आप रीड कर लेंगे. नेक्स्ट आपने चैप्टर अच्छे तरीके से रीड किया होगा तो एक्सरसाइज आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं.